कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम आए सरस्वती मोटर्स पाजी के पास। तो क्या क्या दिखाने वाले पाजी आपको? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम कर रहे हैं टू सरस्वती मोटर्स, आपके सारे व्यूवर्स का भी वेलकम है गाइस। लाइक ऑलवेज गाइस, ब्लॉग होने वाला है धमाके दार। पास वी हैविंग प्लेंटी ऑफ सुपर बाइक्स इन स्टॉक, 300 सीसी से लेके 2300 सीसी तक की रॉकेट भी हमारे पास है। आप पीछे देख सकते हो, सो मेनी बाइक्स अवेलेबल इन स्टॉक। डुकाटी की डियावल भी खड़ी हुई है, बेनेली के अंदर मेरे पास 305 की खड़ी है। व्लॉग इज गोना बी क्वाइट अमेजिंग, काफी मजेदार व्लॉग होने वाला है गाइस। वीडियो में बने रहिएगा एंड अगर चैनल पे नए हो तो सबसे पहले करण भाई के चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो गाइस एंड कमेंट सेक्शन आपके डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट। बाकी दिखाएं व्लॉग, बाइक दिखाएं करण, ऑफ कोर्स। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं व्लॉग को, दिखाते हैं कुछ जबरदस्त बाइक्स। कमेंट सेक्शन आपके ही गाइस, नेक्स्ट वीडियो भी हम बनाएंगे, बस ये वीडियो बनाने लगे तो कमेंट करके जरूर बताना कि क्या देखना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक बाइक देखना चाहते हो उसके ऊपर भी बनाएंगे, कोशिश करेंगे। बाकी चलिए बताने फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आपको मिलवाते हैं कुछ के सेगमेंट से। यहाँ पे हमारे पास बनेली के अंदर आपको मिल जाएगी 300। अब ये जो बाइक है गाइस, ये है 2020 ABS मॉडल है, ग्रीन कलर के अंदर है। आप लोग देख सकते हो एक्सिलरेशन में एग्जॉस्ट लगा हुआ है। बाइक चली है समय अराउंड 16,000 किलोमीटर एंड आपको सरस्वती मोटर्स पे बाइक मिल जाएगी एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस ऑफ जस्ट 2.5 लाख रुपये के अंदर। आपको 2020 मॉडल BM बनेली 300 मिल जाएगी। उसी के साथ हमारे पास लियोन्चिनो 400 खड़ी है। दिस इज ऑल्सो स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल। स्क्रैम्बलर के अंदर क्या होता है कि परफेक्ट एवरीडे ड्रिवन बाइक है, उसको आप रोज चला सकते हो, वेरी कंफर्टेबल मोटरसाइकिल। और ये भी ट्विन सिलेंडर के अंदर है, ओनली 3300 किलोमीटर का चार्ज वार्ड लगे हुए हैं। इसकी स्टॉक आवाज इतनी अच्छी है, इतनी स्मूथ आवाज है, आपको बारे में 12% सुनाता हूँ मैं, आवाज सुना दे एक बार। ओनली 1300 किलोमीटर डन, 2020 की बाइक है अगेन। ये आपको मिलेगी सरस्वती मोटर्स पे फॉर जस्ट 3.99 लाख रुपये की आपको बाइक मिल जाएगी। बात करते हैं इससे थोड़ा सा ऊपर आए तो हमारे पास 650 cc के अंदर एक काफ़ी बेहतरीन मैनेजर पड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंटरसेप्टर 650 की हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन खड़े हैं, सॉरी तीन ऑप्शन इंटरसेप्टर के हैं और तीन ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे GT की है खड़ा, तो ये करें। तो हमारे पास टोटल 6 बाइक्स हैं रॉयल एनफील्ड मॉडल में, जो ऑरेंज कलर की है वो मिल जाएगी आपको 2.5 लाख रुपये की रेंज में। 786786 नंबर है, अगेन अ वेरी यूनिक नंबर। उसी के साथ ये जो आप रेड कलर की देख रहे हो गाइस, दिस इज 2021, ये 2021 की है, इस चेरी कलर, ये आपको मिल जाएगी फॉर 2,85,000। ये 2020 है 19-21, ये जो 2020 की क्रोम एडिशन है, ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर, CATS के अंदर जूम प्लस टायर्स लगे हुए हैं। ये आपको मिल जाएगी सरस्वती मोटर्स के अगेन अगर रीजन का 2,65,000, 2.5 लाख, 2,65,000, 2,85,000, ये डिफरेंस आएगा तीनों प्राइसिंग के अंदर। बात करें GT यहाँ पर काफ़ी अच्छी रेंज करी है, ये 2019 का मॉडल है, आपको मिल जाएगी अगेन फॉर जस्ट 2,55,000, 2% की GT मिल जाएगी। यहाँ बात करें तो हमारे पास 22 मॉडल खड़ा हुआ है, एक रेड कलर खड़ा है, 22 मॉडल में ग्रीन कलर खड़ा हुआ है। ये चलिए सिर्फ 1600 किलोमीटर, ये चलिए सिर्फ 1300, दोनों बाइक्स बिल्कुल नई पड़ी है हमारे पास, दोनों अवेलेबल है। दोनों के साथ आपको सीट भी मिल जाएंगी, इसके अंदर आप देख रहे हैं एक टैपरेस्ट टाइप की सीट लगी हुई है, लेग गार्ड लगा हुआ है। आपको एक डुअल सीट भी मिल जाएगी जैसे उसमें लगी हुई है, उसके साथ आपको एक और सीट भी मिल जाएगी। तो सारे ऑप्शन अवेलेबल हमारे पास इन दोनों बाइकों का। प्राइस की अगर बात करें गाइस, ये आपको मिल जाएगी 2022 मैनुफैक्चर, 22 रजिस्टर्ड फॉर 3,15,000, वो भी आपको मिल जाएगी फॉर 3,10,000। आइए चलते हैं आगे, कुछ और बाइक दिखाते हैं आपको। यहाँ पर हमारे पास काफ़ी अच्छा हरा भरा माहौल हो रहा है। कावासाकी का लाइनअप करा रहेगा इस स्टार्टिंग फ्रॉम दिस बेबी निंजा 300, 300 सीसी की निंजा 300 बनी, दिस इज 2014 मॉडल का इस निकलिए लगभग 24,000 किलोमीटर, प्राइस ओनली 1,75,000। इसके बाद गाइस इसको स्किप कर देते हैं, पहले इन दोनों पे आ जाते हैं। ये निंजा 650 खड़ी है दोनों, दिस इज ओल्ड मॉडल 650, ये न्यू शेप वाली 650 है। This is 2014 model, this is 2021 model. 2014 की पहले बात करें गाइस, अगेन 22,000 के आसपास चली हुई, 22,000 चली हुई है। इसके अंदर आपको क्रैश गार्ड मिल जाएंगे, LED वाले इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, LED लाइट्स मिल जाएंगी, विंडस्क्रीन मिल जाएगी और आपको इसके अंदर फुल सिस्टम एग्जॉस्ट मिलेगा। अभी स्टॉक लगा हुआ है, आपको फुल सिस्टम इस बाइक के साथ देंगे हम लोग। प्राइस 650 cc का सिर्फ 2.5 लाख, ओनली फॉर 2.5 लाख आपको निंजा 650 मिल जाएगी, वो भी प्राइस का तो नेगोशिएबल है। उसके साथ इसकी बात करें गाइस 2021 मॉडल की, दिस इज ऑल्सो बीन फुली लोडेड,
रेडिएटर, इसके अंदर रिप्टो कार्ड लगा हुआ है, क्रैश कार्ड से जो है टांग का टैंड्रेट आकर का ग्लॉस लगा हुआ है इसके अंदर। एक बार इसकी वॉश सुन लेते हैं, इसको फायर अप कर लेते हैं, इस हेयर की 650 कैसी वॉश करती है। अब आ जाती है गाड़ी 600 i बेनेली 600 से मिलवाने की, 2017 मॉडल है बाइक, थोड़ी ज़्यादा चली है, क्लोज टू 28,000 के आसपास किलोमीटर चली हुई है बाइक, बट वेरी गुड मोटरसाइकिल, 2017 ABS मॉडल है, ऑस्ट्रियन रेसिंग के इसमें स्लिपॉनिक ग्लॉस लगे हुए हैं। 650 की आवाज़ सुन ली है, एक बार 600 i की भी आवाज़ सुन लो, जिसके लिए लोग दीवाने हैं उसकी आवाज़ को लेके आगे ले सारे समय। पहले नीचे कमेंट करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, एंड प्राइस के बारे में बात करें गाइस, इस 2017 मॉडल की आपको प्राइस बताऊँ, ओनली 4.55 लाख, 4,55,000 के अंदर आपको 2017 मॉडल बेनेली 600 i अलॉन्ग विद ऑस्टिन रेसिंग कॉस्ट लग जाएगी। एंड लाइक ऑलवेज बाकी बहुत सारा बोलता हूँ मैं, बहुत सारी बाइकें दिखा दी है, आइए कुछ आपको ऐसा कुछ यूनिक को डिफरेंट दिखाता हूँ जो शायद आपने पहले देखा होगा बट इस चैनल पर नहीं देखा होगा। आइए लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स कावासाकी। गाइस यहाँ पर हमारे पास करी है दो कावासाकी की ZX10R, दिस बीइंग दी एक पुरानी शेप वाली है, ये KRT एडिशन की है, दिस इज 2015 द ग्रीन वन, दिस इज 2016 द ऑरेंज वाइट वन। अगर हम पहले बात करें इस ग्रीन वाली की, इस बाइक के अंदर काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा लगा हुआ है अलग से जो बाइक के अंदर नहीं आता है। अगर हम बात करें तो पहले ये ब्रेम्बो के मास्टर सिलेंडर और लीवर्स लगे हुए हैं इसके अंदर, दीज आर ऑल बाय ब्रेम्बो, जो इसके अंदर स्टॉक कंपनी फिटेड नहीं आता है। इसके अंदर स्टील फिटेड ब्रेक लाइन्स लगी हुई हैं, नीचे ब्रेक कैलिपर्स आप देख सकते हो, अलॉन्ग विद दैट गाइस जिसके अंदर आगे हेडलाइट्स जो है वो थोड़ी सी टेंटेड है, डिफरेंट सी है, यू कैन सी द हेडलाइट्स, विंडस्क्रीन गाइस आगे चेंज हुई हुई है, अलॉन्ग विद दिस विंडस्क्रीन आपको इस तरह ओलेंस का स्टेयरिंग डैम्पनर मिलता है, विच मेक श्योर कि आपकी जो बाइक है वो स्टेबल रहे हाई स्पीड के ऊपर। साथ में प्यूब प्रो के इसके अंदर क्रैश कार्ड्स लगे हुए हैं, फ्रेम टाइटस कहते हैं जिनको, दोनों तरफ लगे हुए हैं दीज क्रैश कार्ड्स, अलॉन्ग विद दैट GB रेसिंग की तरफ से ये पूरे क्रैंक केस कवर हैं, जिससे आपका इंजन जो है पूरा प्रोटेक्टेड रहेगा, ये आगे क्रैंक कवर है या तो क्लच कवर दोनों लगे हुए हैं, टैंक पर टैंक ग्रिप्स लगी हुई है, एरो का इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है अलॉन्ग विद एरो एग्जॉस्ट, पीछे भी स्टील ब्रेकेड ब्रेक लाइन लगी हुई है फ्रॉम HCL। उसी के साथ एक्सेसरीज की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है, ये रीमैप्ड है, ऊपर से इसके अंदर एयर फिल्टर भी लगा हुआ है, परफॉर्मेंस एयर फिल्टर, पीछे इसमें हॉट बॉडीज की टेल टाइडी किट भी लगी हुई है, बाइक चली सिर्फ 15,000 किलोमीटर, डेली रजिस्टर्ड है, आवाज़ काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अच्छी है, इसी बात पर आइएगा इस बारिश के नाते। ऑटो ब्लेपर स्विच शिफ्टर भी लगा हुआ है गाइस, वो भी आफ्टर मार्केट इसके अंदर इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो एक तरीके से नई वाली टेना परफॉर्म करती है, बस शेप थोड़ी सी ओल्ड है, पावर थोड़ी सी कम है, बाकी फीचर्स सारे अपन नई टेना जैसे इसके अंदर मिलते हैं, वैसे ज्यादातर लोगों को पसंद यही है, ये तो कह सकते हो क्योंकि ये एक वैसे भी 30th एनिवर्सरी एडिशन है, इसके अंदर साइड में लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि NCCC 30th एनिवर्सरी एडिशन। इस कलर की खास बात यही है गाइस कि ये काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में आ जाती है,
एंड आपको राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, ऑटो ब्लिपर, क्विक शिफ्टर, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको एक पुराने मॉडल के अंदर मिल रही है, जो काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है आज के इलेक्ट्रॉनिक डोर के अंदर। बाकी बात करें इस टेना की, गाइस दिस इज 2016, 2016 की है, 14,000 किलोमीटर चली हुई है। इसके अंदर भी आपको शोभा का सस्पेंशन, ब्रेम्बो ब्रेक्स, कैलिपर्स मिलते हैं आपको इसके अंदर, एंड थोड़ी बहुत लुक्स के अंदर चेंजेस करे गए हैं गाइस। फ्रंट से चेंज किया गया, पीछे टेल सेक्शन पूरा रिमैंप किया गया है, एंड इस बाइक के अंदर लगा हुआ है रेस फिट का एग्जॉस्ट, जो आप देख सकते हो, दिस इज ओरिजिनल रेस फिट एग्जॉस्ट। इसकी आवाज़ थोड़ी सी और ज़्यादा लाउड है, तो आइए लेट्स फायर दिस थिंग अप, आपको सुनाते हैं इसकी भी आवाज़। कस्टम पेंट जॉब किया हुआ है, ये टेनर वैसे ही बहुत फेमस है, तो गाइस सरस्वती मोटर्स से आपको मिल जाएगी तो जस्ट 11 लाख रुपीज़ नेगोशिएबल। विद दैट बीइंग सेड गाइस, आइए मिलवाता हूँ मैं आपको अपनी पर्सनल फेवरेट बाइक के साथ, द लास्ट बाइक ऑफ दिस ब्लॉग, काफी लंबा ब्लॉग हुआ ऑलरेडी। हाँ, सो गाइस दिस इज पर्सनली माई फेवरेट बाइक, जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको पता चल गया डुकाटी फैन बॉय, एंड दिस इज द की टू हैप्पीनेस ऑफ दिस मोटरसाइकिल, द डुकाटी डियाबलो। ये जो है मेरे पास ये खड़ी है कार्बन एडिशन। कार्बन एडिशन के अंदर क्या होता है गाइस, काफ़ी सारे पैनल्स कार्बन फाइबर के आते हैं इसके अंदर, एंड ये पूरी स्टेल्थ ब्लैक लुक के अंदर आती है, एक तरीके से कह सकते हो बैटमैन फेवरेट, पूरी ब्लैक कलर की बाइक है। एंड ओवरऑल लुक्स देखो इसकी एक बारी, जी भर के लुक्स देखो कि हाउ दिस थिंग लुक्स, क्या इसकी मतलब एक एक चीज़, एक एक कॉन्फिगरेशन, एक सिंगल साइड स्विंग आर्म, पूरा कार्बन फाइबर का हबर, ये स्टॉक एग्जॉस्ट है, सारा सेटअप स्टॉक है, अभी तक कंपनी फिटेड है, ये साइड के पैनल्स कार्बन ड्रिप हाइड्रो ड्रिप करे हुए हैं, आगे ब्रेम्बो ब्रेक्स कंपनी की तरफ से आती है इसके अंदर, एंड ये पूरी ब्लैक आउट है, बस जस्ट मैट ब्लैक स्टेप लुक। एंड ये जो मोटरसाइकिल है गाइस, ये कम्प्लीटली कीलेस है, जैसे कि चाबी आपको अपनी जेब में रखनी है, यानी गुड टू गो, चाबी है बट लगती कहाँ है, लगती है सिर्फ यहाँ पे इसका टैंक खोलने के लिए, उसके अलावा ये चाबी कहीं नहीं लगती है गाइस, आपको बस अपनी पॉकेट में रखनी है फॉब को, यहाँ से इसका बटन ऑन करना है, एंड दिस थिंग विल फायर अप इजी। बाकी स्टार्ट करने की सीक्वेंस भी काफ़ी डिफरेंट है, इसको लॉक करने की भी काफ़ी डिफरेंट है। आप कह रहे हो कि भैया हैंडल लॉक कैसे होगा, आपको वो भी लॉक करके दिखाते हैं कि लॉक कैसे होगी। एक बारी स्टार्टिंग सीक्वेंस इसकी देख लो यहाँ से, इसमें आपको डुअल डिस्प्ले सेटअप देखने को मिलता है, 20,000 चली हुई है। टूरिंग मोड पे इसके तो तीन मोड आते हैं गाइस, थ्री मोड्स आर टूरिंग, अर्बन एंड स्पोर्ट। अगर उसको स्पोर्ट मोड पर कर देते हैं, यहाँ पर आप देखोगे 162 हॉर्सेस ये हाई पे है, स्पोर्ट मोड पे है, ट्रैक्शन कंट्रोल लेवल 2 पे है, ये इसकी इंस्टेंटेनियस एवरेज आ रही है, जिसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट कस्टमाइज इन दिस मोटरसाइकिल गाइस। ये ऊपर इसका RPM मीटर आ रहा है, दिस इज योर स्पीड, दिस इज इंजन टेम्परेचर, ये टाइम है, यहाँ पर न्यूट्रल लाइट है, ABS कम्स इन स्टैंडर्ड इन दिस मोटरसाइकिल, इसकी रिजर्व ऑयल की है, इंजन सॉरी ऑयल की लाइट है, प्रेशर ऑयल की, ये बाइक स्टार्ट करेंगे तो फट जाएगी। अगर इस बाइक लॉक कैसे होती है, इसी ये बटन है, यहीं से अगर हम ऑफ करेंगे तो इसको ऑफ करके प्रेस एंड होल्ड दिस बटन, एंड यू विल सी कि ये आ जा, ये भी आवाज आई कुछ, ये हैंडल लॉक हो गया। और अगर हम इसको अनलॉक कर लें तो अगेन द सेम वे, इसको नीचे कर लें, ये अनलॉक होके बाइक स्टार्ट होने लगी, और दिस थिंग इज रेडी फॉर इग्निशन। तो गाइस ये थी काफ़ी यूनिक फीचर इस डुकाटी डियाबल का, 2016 मॉडल है, 20,000 किलोमीटर चल चुकी है, वेरी पैम्पर्ड मोटरसाइकिल, पंजाब रजिस्टर्ड है, डुकाटी डियाबल कार्बन एडिशन कहते हैं इसको। ये बाइक आपको मिल जाएगी सरस्वती मोटर्स पे, वेरी रीजनेबल प्राइस, दिस 7.25 लाख, सिर्फ 7.5 लाख रुपये के अंदर आपको ये डुकाटी डियाबल डार्क एडिशन मिल जाएगा, एंड दैट इज ऑल्सो नेगोशिएबल। तो गाइस आओ सरस्वती मोटर्स पे, टेक यू ड्रीम बाइक होम, साथ में एक छोटा बच्चा भी खड़ा है, दिस बेबी स्ट्रीट 750 2016 मॉडल की है, फॉर जस्ट 2,85,000 2,85,000।
यही नंबर है, सिर्फ 6000 किलोमीटर चली हुई है। बाइक्स हमारे पास बहुत सारी है, आपको बस आना है सरस्वती मोटर्स पे। यू जस्ट हैव टू इंस्पेक्ट, चेक एंड टेक अ गुड डील होम और गुड बाइक होम। बाकी गाइस कैसा लगा आज का ब्लॉग, आई होप पसंद आया तो मेक श्योर नीचे आके सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करना मत भूलना एंड ऑलवेज डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। बाकी चलिए मिलते हैं द मैन बिहाइंड द कैमरा, आई विल स्टार्ट। तो गाइस कैसे लगी आज की वीडियो आपको, और काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको यहाँ पर काफ़ी सारी सुपर बाइक देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत ही बेस्ट प्राइस में होने वाली है, और आने वाली वीडियोस में और भी मिलने वाली है। बताओ पाजी कैसी है आने वाली वीडियोस में गाइस, और भी अच्छी अच्छी बिल्स लेकर आऊँगा, अच्छी अच्छी बाइक्स लेकर आऊँगा। अभी भी बाइकें इतनी नहीं जितनी हमने देखी है, ये तो अभी आपने एक 15% स्टॉक देखा है, अभी जो 85% स्टॉक है वो आपको शायद आगे की वीडियोस में आगे चल के नीचे आपको देखने को मिलेगा। ये प्लेंटी ऑफ बाइक्स स्टॉक गाइस, अंदर रेप्सॉल खड़ी हुई है, स्पोर्ट्स रेस खड़ी हुई है, बनेली की टी आर की खड़ी हुई है, प्लेंटी ऑफ। अंदर का कवर करनी है क्योंकि थोड़ी सी डील चल रही है अंदर BMW की, तो उसके लिए सॉरी आज का ब्लॉग में अंदर कम कवर करनी पाए। बट नेक्स्ट आप कुछ भी देखना चाहते हो गाइस, कमेंट सेक्शन आपको, डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन बिलो। बाकी आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, एक बार फिर से एम्फेसिस दे रहा हूँ गाइस, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन आपका ही है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लव एंड सपोर्ट, जो आज हम लोग इतनी अच्छी वीडियोज बना रहे थे, स्टॉक आपको ले जा रहे। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर गाइस, जिस माई बॉडी। See you soon in the next vlog.